हमारे बाबूजी श्री लाल बरनगिरी बहुमुखी प्रतिभा के विलक्षण व्यक्तित्व। आदरणीय बाबूजी का जीवन मानवीय मूल्यों के विभूषित था। वे बड़े सरल स्वभाव के आदमी थे, अहंकार उन्हें छू भी नहीं सकती थी। उनका व्यक्तित्व चुंबकीय की तरह आकर्षित कर लेता था। वे वर्बस लोगों को अपने घेरे में आकर्षण कर लेते थे। बहुमुखी प्रतिभा के विलक्षण व्यक्तित्व उनमें था। उनका राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में गहरी पहचान थी। उसे अपने विशिष्ट जीवन में शैली में वह उसे उतार देते थे। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने कहा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में ही रह सकता है। अतः उनका मनमोहक व्यक्तित्व समाज के लोगों को सदा आकर्षित किए रहते थे। उनमें बहुमुखी प्रतिभा के विलक्षण गुण मौजूद थे। हमारे बाबूजी सरल एवं मृदुभाषी व्यक्तित्व वाले महान आत्मा थे। अपनी तन्मयता से लोगों में मधुर भाषण दिया करते थे, यहाँ तक कि वो अपने खाना को भी भूल जाते थे। जब जटिल समस्याएं उन्हें घेरती थी तो हमारे बाबूजी उन सारी समस्याओं को आसानी से हल निकाल लेते थे। और उनका दिल काफ़ी ही उदार एवं महान था। कोई भी उनसे लेने के लिए कुछ आता था तो वो तुरंत ही असहाय रूप से उन्हें कोशिश करते थे और उनकी मदद करते थे। वो लोगों को खाना खिलाया करते थे, आए हुए मेहमान को भोजन तथा रहने की व्यवस्था करते थे। वे अपने जीवन में शिक्षा को काफ़ी महत्व देते थे। वे शिक्षित बच्चों को, महिलाओं को और व्यक्तियों की हमेशा सराहना किया करते थे। सभी धर्मों के समान आदर किया करते थे और वह इतना पुराना सभी धर्मों में सनातन धर्म को ही मानते थे। सनातन धर्म ही सबसे पुराना है एवं इसकी उत्पत्ति का केंद्र काफ़ी पुराना है। इसकी पता आज भी नहीं लगाई जा सकती है। वे बहुत ही सरल रूप से सभ्यता और संस्कृति को बताया करते थे। उनमें मूल रूप से परोपकार की भावनाएं बहुत ही कूट कूट कर भरी हुई थी। मैं उनकी पुत्री स्नेहलता भारती उनकी यादों को हमेशा बनाए रखने के लिए लाल बरनगिरी मेमोरियल साइंस इंस्टीट्यूट की स्थापना की और उनका ग्रैंडसन उनके कहे के अनुसार उनकी प्रेरणा से लेकर के उनको अपना आइडियल बना करके आज वह साइंटिस्ट है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देती हूँ। धन्यवाद।